कल हम लोग आपका टॉपिक कर रहे थे इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन मोस्टली हमारा टॉपिक क्लियर हो गया था। उसमें एक टॉपिक लास्ट में बचता था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, या फिर इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होते हैं वो हमने कल कर लिया था। रिलेशन में कौन कौन सी अप्रोचेज आती हैं, रिलेशन किस हिसाब से किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, वो कल हमने सारा कंप्लीट कर लिया। इसमें नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, पेज नंबर 158। इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, जब मान लीजिए कंपनी में रिलेशन जो है प्रॉपर नहीं चल पाते हैं, जो भी इंडस्ट्रियल में रिलेशन, एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयज के साथ, एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयर के साथ, या फिर एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर के साथ, या फिर एम्प्लॉयर का अपनी मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर जब रिलेशनशिप नहीं चलते हैं, तो क्या रिजल्ट निकलता है इंडस्ट्रियल में, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी बुक में लिखा भी है, रिलेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट डू नॉट प्रोसीड अलॉन्ग विद लाइंस इन्वेस्ट अबव फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस। बहुत सारे रीजंस की वजह से जब हमारे रिलेशनशिप है एक दिशा में जब नहीं चल पाते हैं, तो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट ऑटो मोड पे जनरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा भी है, लेबर डिमांड समथिंग, मैनेजमेंट डज नॉट ग्रांट द सेम। लेबर कुछ चीज़ों की डिमांड कर रही है और मैनेजमेंट उस चीज़ को नहीं प्रोवाइड कर रही, तो अपने आप ही झगड़े निकल के आएंगे। देयर शुड बी ए डिफरेंस और डिस्प्यूट्स, वहाँ पर कहता डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, झगड़े भी जनरेट हो सकते हैं। या फिर इन्होंने लिखा कि डिस्प्यूट्स कुड बी बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, मालिक और मालिक के बीच में ही झगड़े हो जाते हैं। कई बार मान ली कंपनी में डायरेक्टर दो तीन हैं, या फिर मैनेजर दो तीन हैं, या पार्टनर हैं, वही आपस में झगड़ा करके और बैठ जाते हैं, भी उसकी नहीं चल रही, उसकी नहीं चल रही। या फिर एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉयज़ के साथ ही हो जाता है, या फिर एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ होता है, ये झगड़े हो सकते हैं। डिस्प्यूट मस्ट बी पर्टेन टू सम वर्क रिलेटेड इशू, जब भी झगड़े होंगे काम के प्रति ही होते हैं। ऐसा नहीं है अपने घर वाले झगड़े भी, आज मैं अपने घर वालों से लड़के आया तो कंपनी में भी लड़ना स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। काम के रिलेटेड ही झगड़े निकल के आते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन वन और टू वर्कमैन देयर एम्प्लॉयज इन नॉट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इट बी रेज्ड टू ग्रुप और क्लास ऑफ। कई बार तो झगड़ा कहता भी एक या दो बंदों के बीच में होता है, उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं बोल सकते। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तब होता है जब झगड़ा वर्कमैन में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स इकट्ठे होकर जब कंपनी में कोई स्ट्राइक कर दें, लुकआउट कर दें, घेराव कर लें, या फिर जो पार्टनर्स जब मैनेजर्स जब कंपनी में काम करना बना कर दें कि आप आज कंपनी में काम करवाएंगे, रीजन कुछ भी हो सकते हैं, तो ये झगड़े माने जाते हैं। फॉर्म्स क्या लिखे हैं, किस किस प्रकार के झगड़े हो सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने फॉर्म में लिखा है स्ट्राइक। अगर कंपनी में स्ट्राइक हो जाए कि एम्प्लॉयज बोलने कि हम कंपनी में काम करेंगे ही नहीं, ना किसी को करने देंगे, तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक। दूसरा आता है कि लॉकआउट, कंपनियों में तालाबंदी हो जाए कि वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयर्स खुद ही ताले लगा दें कि हमें काम करना ही नहीं है। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, पर्सनल इशू भी हो सकते हैं, वर्क रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, या फिर बंदे की जो प्रेजेंस होती है उसके रिलेटेड भी हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड आता है घेराव। घेराव का मतलब होता है कि जब वर्कर्स कंपनी का घेराव कर लेते हैं, ना तो कंपनी के अंदर जाते हैं, ना किसी को अंदर से बाहर आने देते हैं, ना ही खुद अंदर जाते हैं, गेट पे ही खड़े हो जाएं, कंपनी को घेर के भी हम काम करने देंगे, इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। फोर्थ होता है पिकटिंग एंड बाइकॉट। पिकटिंग एंड बाइकॉट का मतलब होता है कि कुछ लोग जैसे किसी काम में कहता भी काम के बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं, उनमें से कुछ वर्कर का झगड़ा हुआ, वो क्या करते हैं, खुद काम करते नहीं, सभी वर्कर्स को भी अपने साथ मिला लेते हैं, बाइकॉट करवा देते हैं कंपनी में काम करने के लिए। बहुत सारे लोग काम करने के लिए राजी होते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी कंपनी में ट्रेड यूनियन बनी हुई, कोई संस्था बनी हुई, सभी मेंबर्स हैं उसमें, जो मेंबर्स टॉप पर्सन होते हैं, अगर उनका झगड़ा हो जाए तो वो खुद तो काम करते नहीं हैं, बाकी लोगों को भी बोलेंगे हमारे साथ ही आपको मिलकर काम करना पड़ेगा कि आप भी कंपनी में काम नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं पिकटिंग और बाइकॉट। मीन कंपनी के काम का बाइकॉट जब किया जाता है उसको बोलते हैं पिकटिंग और बाइकॉट। कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ये डिस्प्यूट्स होने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि जब कंपनी में आपको रखा गया, जो अलाउंस बोनस फ्रिंज बेनिफिट्स या फिर इंसेंटिव्स वगैरह देने के लिए बात की गई थी, वो आपको मिलते नहीं है, प्रॉब्लम, तो कंपनी में झगड़े होंगे ही होंगे। दूसरा नेशनलाइज्म, नेशनलाइज्म का मतलब क्या, मतलब होता है कंपनी में बैंक यूनियन अपोजिट, इसका मतलब हो सकते हैं फॉर्मूलॉक्स। आपके बिजनेस में कहता भी आपका बिजनेस एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो लोग वर्कर उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपका बिजनेस एक कंडीशन से हट के दूसरी कंडीशन में काम कर रहे हैं, या फिर जैसे मैं बोलूँ कि आईटी सेक्टर आपकी कंपनी में पहले वर्किंग हैंड काम चल रहा था, फिर आईटी सेक्टर आया, तो बहुत लोगों ने इस चीज़ को काम लगा कि हमारे पक्ष में काम नहीं है, कि हमारी जॉब चली जाएंगी। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ भी, कोई गवर्नमेंट में जॉब बहुत सारे पर्सन करते हैं, गवर्नमेंट वाले जॉब भी स्ट्राइक करते हैं। एग्जांपल लें तो रेलवे की, रेलवे में गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि जितने भी फाटक बने हुए हैं हम उनको ख़त्म कर देंगे। मतलब क्या हुआ, अभी फाटक खत्म हो गए, जितने लोग फाटक पे ड्यूटी देते हैं तो हर एक फाटक पे तीन बंदे ड्यूटी देते हैं, सुबह शाम दोपहर तीन बंदे को ड्यूटी, आठ आठ घंटों के हिसाब से, तो उन तीनों की जॉब खत्म। उन लोगों को यही लगा कि हमारी जॉब खत्म हो जाएगी,
नेशनल उन्होंने बोला कि जॉब तो खत्म, लेकिन लोगों को तो ये होता है एक्चुअल में जॉब तो खत्म नहीं होती, जिन बंदों को कहीं हटा देता है उसकी जगह दूसरी जॉब पे लगा देते हैं, तो लोगों को ये होता है कि लॉस टू फियर देयर जॉब जैसे हम बोल सकते हैं, तो उसकी वजह से भी कंपनी में कई बार झगड़े आ जाते हैं। थर्ड लिखा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोचेज, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जैसे कंपनी में टॉप मैनेजमेंट जो आपके पास मैनेजर बैठे हैं या डिपार्टमेंट बैठे हैं उनका व्यवहार कई बार कंपनी में झगड़ा लेके आता है। जैसे इन्होंने बोला कि इल ट्रीटमेंट, खुद तो बीमार हैं दूसरों को लोगों को भी बीमार करने की कोशिश की जा रही है, हमें आपकी तरह हमारी तरह काम करो, जो हम बोल रहे हैं वही काम करना है। अनडिजर्व पनिशमेंट, जिन पनिशमेंट की कंपनियों में जरूरत ही नहीं है, आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी पनिशमेंट रख दो, गवर्नमेंट बोलती नहीं ऐसी कोई पनिशमेंट कंपनी में होनी चाहिए, आप जबरदस्ती पनिशमेंट लगा रहे हो तो इसी वजह से भी कई बार कंपनी में झगड़े आ जाते हैं। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है कि जब एम्प्लॉयज को ऐसा लगता है कि हमारी जो पहचान है वो कंपनी में खत्म होती चली जा रही है, मैं जिस काम के लिए कंपनी में आया था वो काम हमें मिल ही नहीं रहे हैं, कंपनी उलट काम करवा रही है, तो ये भी कंपनी में झगड़े होंगे। सिंपैथिक स्ट्राइक, सिंपैथिक स्ट्राइक का मतलब कि कंपनी में किसी एक प्लांट में प्रॉब्लम्स आई हैं, सभी प्लांट वाले इकट्ठे हो गए भी हमदर्दी दिखाने के लिए कई बार झगड़ा हो जाता है कि उस बंदे के साथ गलत हुआ तो हम लोग भी साथ में, जैसे मान लो कि मान लो किसी कंपनी में एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया ड्यू टू दी नेग्लिजेंसी फॉर हरसेल्फ या फिर हिमसेल्फ अपनी वजह से या फिर किसी बंदे की वजह से नेग्लिजेंसी बढ़ती गई तो एक्सीडेंट हो गया, वो झगड़ा सारा उठा के कंपनी के ऊपर डाल देते हैं, सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि हमारे वर्कर को ऐसा हो गया कंपनी ने सपोर्ट नहीं की है, तो इसको भी बोलते हैं सिंपैथिक स्ट्राइक। फिर साइकोलॉजिकल सोशल इशू, कई बार हम अपने ओकेशन जैसे फैमिली फ्रेंड कम्युनिटी एनवायरनमेंट प्रेशर्स, कई बार हमारे पास ऐसे भी कुछ प्रेशर्स होते हैं जिस बेस में कई बार झगड़े क्रिएट हो जाते हैं और झगड़े बड़े हो जाते हैं कंपनी में। मान लीजिए कंपनी में मैनेजर ही सुबह घर से खाना खा के नहीं आया, उसको लड़ाई होगी सुबह सुबह घर वाले ने लेट मल्ली उठाते डंडे डंडे तीन चार लगा दिए, बंदा कंपनी पहुंचा तो उसने वर्कर को उठा दिया भाई, तो कंपनी में झगड़ा हो जाएगा। कुछ कई बार बंदे के माइंड में प्रेशर्स होते हैं, प्रेशर की बंदा कई बार काम गलत कर दे तो सभी लोग मिलके इकट्ठे हो जाएं कंपनी में, तो ये भी कंपनी में गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल कोसेस, इंस्टीट्यूशनल कोसेस का मतलब होता है कि कंपनी में आपकी जो पहचान एक यूनियन की तरफ से है, यूनियन चाहती है कि कंपनी में ये काम होने चाहिए, अभी लेबर का रेट जो है मान लो 8,000 है उसको हम चाहते हैं कि 8,500 करवा दो, अभी मैनेजमेंट उसको मान रही है, तो यूनियन बोला कि इंस्टीट्यूशन इकट्ठा होकर बोला कि हम हमारे साथ मिलिए हम लोग आज कंपनी में काम नहीं करेंगे, तो ये काम भी कंपनी में झगड़े होने के कारण है। वर्कर नहीं चाहते हैं, बोल रहे हैं हमारी सैलरी मिल रही है हमें रेली बेस पे चाहिए, लेकिन आपको इंस्टीट्यूट इकट्ठी करके कलेक्शन एंड बार्गेनिंग का काम कर रही है, आपको इकट्ठे करके बार्गेनिंग कर रही है कंपनी के साथ, तो ये भी झगड़े होने के कारण नहीं है। उसके बाद पॉलिटिकल कोसेस, पॉलिटिकल कोसेस कई बार होते हैं कि मान लीजिए गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ नए रूल्स लेके आ जाए, या गवर्नमेंट जैसे मैं एग्जांपल बोलूं कि गवर्नमेंट बोलती है कि जो हमारे महानगर हैं दिल्ली चेन्नई कोलकाता महाराष्ट्र जो हमारे मुंबई ऐसे जो महानगर हैं भाई उनमें जो कंपनीज हैं उनका वेज स्केल होगा 15,000 रुपये, जो बाकी स्टेट्स हैं जो जितने छोटे छोटे शहर हैं उनमें वेज रेट है जी 12,000 रुपये, तो ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं। गवर्नमेंट हमारे साथ कहता भेदभाव किस बात का है, ऑल इंडिया में सब लोग तो एक जैसे हैं, सबको एक जैसे पे स्केल मिलना चाहिए, तो ये रीजन भी हो सकते हैं। कई बार गवर्नमेंट बोल देगी इन कंपनियों को हम छूट देंगे उन कंपनियों में पीएफ नहीं काटेंगे, तो ये रीजन भी, मान ली गवर्नमेंट अगर कई बार कुछ इशू लेके आ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो झगड़े हो जाते हैं जिनका सफर कंपनीज को ही करना पड़ता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रिवेंटिव मशीनरी, कंपनी में कहता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो झगड़े होंगे इनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है, सबसे पहला तो कंपनी यूज करती है ट्रिपैटी एंड बाइप्रेट बॉडीज। ट्रिपैटी एंड बाइप्रेट बॉडीज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं बाइप्रेट बॉडीज के लिए। बाइप्रेट बॉडी में क्या करेगी कंपनी, क्या करेगी जिन पार्टीज के बीच में झगड़ा हुआ है उन पार्टीज को बुला लेगी, दोनों को सामने बिठा के झगड़े को सॉल्व कराने की कोशिश करेगी, मीन्स आपस में मिलिए एक दूसरे से बातचीत कीजिए, जिसकी जो प्रॉब्लम्स है एक दूसरे से डिस्कस करो, अगर आपको लगता है कि झगड़ा सॉल्व हो सकता है तो झगड़े को वहीं पर खत्म करवा दिया जाता है। एक आता है ट्रिपलेट बॉडी, ट्रिपलेट बॉडी में होता है कि कंपनी खुद तो बैठी ही है, दो पर्सन को जिनका झगड़ा वो भी प्लस थर्ड पर्सन जिसके हिसाब से लगता है कंपनी को लगता है कि ये बंदा झगड़े को सॉल्व करवा सकता है उस पर्सन को कंपनी हायर कर लेगी, वो कंपनी का अपना बंदा भी हो सकता है, हो सकता है कंपनी बाहर से किसी रजिस्टर को बुला ले या किसी सीए को या लॉयर को किसी को बुला के जब झगड़े को सॉल्व करवाया जाएगा उसको बोलते हैं ट्रिपलेटी बॉडीज। इसके अलावा कंपनीज जो काम करती हैं भाई डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, आगे देखिए इसको बीच वाला टॉपिक बाद में बताता हूँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। सबसे पहले कॉन्सिलेशन, कॉन्सिलेटर ऑफिसर को हायर किया जाता है। कॉन्सिलेटर क्या होता है, एक बंदे का सलाहकार पर्सन को जब कंपनी हायर कर लेती है, आपका पेज नंबर 161 पे लास्ट में दिया हुआ है कॉन्सिलेटर। कॉन्सिलेशन प्रोसेस भी कंपनी यूज करेगी, कंपनी क्या करेगी किसी एक बंदे को सलाहकार को फाइंड कर लेगी, उस सलाहकार को जो झगड़ा करने वाले पर्सन होते हैं उनके बीच में भेज दिया जाता है और झगड़े को सॉल्व करने का काम किया जाता है। कॉन्सिलेटर
जिनका झगड़ा हो उनकी पूरी बात सुनेगा, मैनेजमेंट से डील करेगा, मैनेजमेंट को बोलेगा वो उनकी डिमांड से, मैनेजमेंट भी बोलेगा अपनी डिमांड से है, तो उनको आपस में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके झगड़े को सॉल्व करवाया जाता है। उसके बाद होता है वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब झगड़े को एक आर्बिट्रेटर के थ्रू हायर किया जाता है, आर्बिट्रेटर भी कंपनी में पर्सन होता है, वो क्या करता है दोनों पार्टीज को बोलने का चांस देता है कि दोनों पार्टीज अपने अपने जो उनके पास प्रूफ हैं झगड़े होने की वजह से वो प्रूफ ले आइए और दोनों पार्टीज अपने अपने झगड़ों को हमारे पास बताइए, टाइम के अकॉर्डिंग हमें लगता होगा कि दोनों के झगड़े होने के रीजन क्या है, उस रीजन को फाइंड करके झगड़ा सॉल्व करवा दिया जाएगा। इसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर प्रोसेस या फिर वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन। थर्ड है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, अभी कंपनी जब आपके केस को खुद सॉल्व नहीं करेगी, हमारे जो कंपनी का रजिस्ट्रार पर्सन है उसके पास भेज देगी। मान लीजिए मैं बोलता हूँ हमारी कंपनी का रजिस्ट्रार, जैसे कोई हमारी स्टेट का गवर्नर बैठा है, तो उसके पास आपका झगड़ा चला जाएगा, उसके पास पहुंचेगा झगड़ा, वो झगड़े को सॉल्व करने, मान लो लेबर बोलते कि हम कंपनी से बात ही नहीं करेंगे, तो फिर वो गवर्नर पर्सन आएगा, भी रीजंस क्या हैं, तो गवर्नर सॉल्व करवाने की कोशिश करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एडजुडिकेशन। फोर्थ प्रोसेस है लेबर कोस्ट। अगर झगड़ा कंपनियों से सॉल्व नहीं हो पा रहा तो झगड़ा कहाँ पहुँचेगा, लेबर कोस्ट में। आजकल सब लोगों के पास हक है कि मान लो आप कंपनी में आपके अपने राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप डायरेक्ट लेबर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेबर कोर्ट आपकी कंपनी हर एक स्टेट में बनी होती है, आप स्टेट कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे जाके अपने लेबर्स के लिए स्पेशल जो सेल बना हुआ है वहाँ पे जाके आप अपील कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी बंदा फिर जिम्मेवार निकलता है उसके ऊपर प्रति जुर्माना लगता है, और अगर लेबर गलत होती है लेबर का जुर्माना, अगर कंपनी गलत होती है तो कंपनी के जुर्माने लगते हैं। फिर बाय द वे लेबर कोर्ट्स में भी आपका सोल्यूशन नहीं हो रहा तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का मतलब हो गया कि जो हमारी स्टेट में हाई कोर्ट बनी होती है आप वहाँ पर भी अपील कर सकते हैं। आपको लगता है कि लेबर कोर्ट में आपको कोई हक नहीं मिला तो आप सीधा स्टेट कोर्ट, जिसको हम स्टेट हाई कोर्ट बोलते हैं, वहाँ पर भी जा सकते हैं। फिर भी अगर आपका झगड़ा सॉल्व नहीं होता हाई कोर्ट में तो आप नेशनल ट्रिब्यूनल, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वहाँ पर भी अपील कर सकते हैं। इसमें टाइम पीरियड होते हैं, अगर लेबर कोर्ट में आपका सॉल्व नहीं हुआ तो विद इन 30 डेज आप लेबर कोर्ट में जा, सॉरी आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर भी आपका झगड़ा सॉल्व नहीं हुआ तो विद इन 60 डेज आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये कंडीशंस आपके सभी फेवर के लिए होती हैं ताकि झगड़े जो हैं सॉल्व करवा ले जाएंगे। इसके अलावा कंपनी एक मेथड और भी यूज़ करती है झगड़े सॉल्व कराने के लिए, उसको बोलते हैं अप्राइजल मेथड। प्रशंसा करना स्टार्ट करेगी बंदों के काम के लिए ताकि कंपनी में झगड़े ना हो, झगड़े सॉल्व करवा दिए जाए। एक बीच में टॉपिक था कंपनी ने लिखा था इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। कंपनी क्या करती है अगर झगड़े आ रहे हो तो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस मींस गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि एक, जैसे हम बोलेंगे ट्रेड यूनियन की संस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बनाई हुई है, तो गवर्नमेंट के पास आप डायरेक्ट जा सकते हैं। मैं एग्जांपल बोलूं कि गवर्नर ही है, जैसे जो गवर्नमेंट ने एक हर एक स्टेट में एक गवर्नर छोड़ा हुआ कि जो भी झगड़े आएंगे आपका सॉल्व करने का काम है, तो आप इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की तरफ जा सकते हैं, जो आपके हक के लिए आपकी बात सुनेगा वहाँ पर जाके आप अपना झगड़ा सॉल्व करवा सकते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि दूसरा स्टैंडिंग लेबर कमेटी। मान लीजिए आपकी कंपनी में ही कोई कमेटी बनी हुई है लेबर के लिए, जैसे हम बोलेंगे ट्रेड यूनियन बनी हुई है, या फिर कुछ मेंबर्स ने मिलकर अपनी कमेटी बना ली, संस्था बना ली, तो वहाँ पर भी अपना झगड़ा सॉल्व करवा सकते हैं लेबर मेंबर के पास जाके। उसके बाद इंडस्ट्रियल कमेटी, जब कंपनियों की अपनी कमेटी बनी, मान लो हमारे लुधियाना में फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट में बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, फोकल पॉइंट में कुछ पर्सन अलग अलग कंपनीज इकट्ठे होकर एक ट्रेड यूनियन बना लें या कमेटी बना लें, तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल कमेटी। इंडस्ट्रियल कमेटी में जो झगड़ा होगा मेंबर्स के पास बैठेंगे किसी ऑफिस में, झगड़े को सॉल्व कराने के लिए देखा जाएगा, कंपनी के प्रॉब्लम है तो कंपनी के साथ डीलिंग होगी, लेबर में प्रॉब्लम था लेबर के साथ डीलिंग होगी, तो इस तरह से झगड़े सॉल्व होते हैं। वर्क कमेटी, जहाँ पे आप लोग काम कर रहे होते हैं वहाँ पे कुछ इंप्लॉइज इकट्ठे होकर जब कमेटी बना लें तो कमेटी मेंबर्स भी सीधा मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं झगड़े सॉल्व कराने के लिए। लास्ट है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, जब मैनेजमेंट को खुद लगता है कि मैनेजमेंट के अलग अलग पर्सन इकट्ठे होंगे झगड़े को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, तो उसको बोलते हैं जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स। ये भी एक मेथड है कंपनी में झगड़ों को सॉल्व कराने के लिए। ये टॉपिक आपका हुआ इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाला। कोई पॉइंट ऐसा लगे जो पूछने वाले तो पूछ सकते हैं भाई। काउंसिलेशन अगले टॉपिक में चलते हैं ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन रेफर टू दी एनी टेम्परेरी परमानेंट ग्रुप फाउंडेड लार्जली फॉर दी एम ऑफ कंट्रोलिंग लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, वर्कमैन वर्कमैन डाइज, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशंस, और प्लेसिंग रिस्ट्रिक्टिव रूल्स और कंडक्ट एनी ट्रेड ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी में वर्कर और वर्कमैन के बीच में रिलेशनशिप बने रहे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशनशिप बने रहे, ऐसा एक ट्रेड यूनियन एक संस्था है जिसमें कुछ नंबर ऑफ पर्सन टेम्परेरी बेस पे या फिर पक्के बेस पे जब इकट्ठे होकर एक संस्था बना लेते हैं या फिर ग्रुप बना लेते हैं, उसको हम ट्रेड यूनियन बोलते हैं। ट्रेड यूनियंस ऑलवेज वर्क फॉर दी फेयर ऑफ एम्प्लॉयज
और आल्सो फॉर दी कंपनी। ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ इम्प्लॉइज हो रही है, ट्रेड यूनियन सिर्फ लेबर के लिए ही काम करती हैं, कंपनियों के लिए भी ट्रेड यूनियंस काम करती हैं। क्योंकि ट्रेड यूनियंस का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप लोग सिर्फ इम्प्लॉइज कुछ ही बोलेंगे, सब कुछ करवा देंगे। ट्रेड यूनियंस कंपनियों की भी सुननी पड़ती है, कंपनियों के हिसाब से भी उनको काम करना पड़ता है। इन्होंने लिखा भी है कुछ पर्सन, एक बताइए एग्जाम्पल, ट्रेड यूनियन एक लिखा है इस पर्सन, डेल जोडर पर्सन है। ट्रेड यूनियन इज ए कंटिन्यू लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कर ऑर्गेनाइजेशन विच इज मीट फॉर इंप्लीमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। ट्रेड यूनियन एक ऐसी संस्था होती है जो अपने मेंबर के जो भी उनके इंटरेस्ट हैं या उनके राइट्स हैं उनको सेटअप करवाने के लिए जो बनती है। हमें पता है कि लेबर के राइट्स हैं कि लेबर को इतनी सैलरी मिनिमम मिलनी चाहिए, पीएफ कटना चाहिए, सैलरी में वेजेस ये सही होना चाहिए, जो लेबर में छुट्टियां बनती हैं वो उनको मिलनी चाहिए, ग्रेचुटी मिलनी चाहिए, बोनस मिलना चाहिए। अगर वो आपको नहीं मिल रहे हैं, कंपनी का रूल है जबकि कंपनी प्रोवाइड करती थी लेकिन किसी को कम प्रोवाइड कर रही है, तो वहाँ पर जब एम्प्लॉइज इकट्ठे हो जाते हैं तो आप लोग ट्रेड यूनियन बन जाती है मेंबर इकट्ठे होके। उसमें मेंबरशिप बनने के लिए कम से कम 25% जो आपकी हिस्सेदारी है वो करनी पड़ती है। तो वो संस्था बनके लेबर के हक के लिए जब हम पर्सन काम करते हैं उसको हम ट्रेड यूनियन बोलेंगे। ट्रेड यूनियन के उन्होंने करेक्टरिस्टिक लिखे हैं, ट्रेड यूनियन इज ए कंटिन्यू लॉन्ग टर्म एसोसिएशन ऑफ वर्कर, लंबे समय के लिए काम करने वाली एक संस्था होती है, टेम्परेरी या कैजुअल नहीं होती। भी आज के लिए हमने ट्रेड यूनियन बना ली, कल को कोई पूछेगा नहीं। आज अगर आपने कोई झगड़ा सोल्व करा लिया, कल को ट्रेड यूनियन खत्म होगी, तो जिन्होंने झगड़ा सोल्व कराया था कल परसों फिर झगड़ा जनरेट होगा वो, तो ट्रेड यूनियन ऑलवेज लॉन्ग टाइम के लिए होगी। ट्रेड यूनियन में भी एसोसिएशन आइदर ऑफ एम्प्लॉइज और इंडिपेंडेंट वर्कर्स, हो सकता है किसी कंपनी के एम्प्लॉइज की ट्रेड यूनियन हो सकता है कि इंडिपेंडेंट वर्कर वो कंपनी में काम करने वाले पर्सन ना हो। जैसे मैंने बोला कि लुधियाना में फोकल पॉइंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी काम कर रही है, अलग अलग कंपनियों में कुछ कुछ वर्कर निकल के आ गए, उन्होंने संस्था बना ली, तो सभी कंपनी उसके ऊपर उनका प्रेशर रहता है कि ट्रेड यूनियन बनी हुई है यहाँ पर लेबर्स की, तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है। यूनियन इसेंशियली कोऑपरेटिव लेबर मार्केटिंग एसोसिएशन, ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग लेबर एसोसिएशन होती है, जैसे वहाँ पर लेबर के लिए काम करती है वहीं पर कंपनियों के लिए भी कोऑपरेटिव होती है। अगर कंपनीज कोई नया रूल लेके आई है, लेबर नहीं सपोर्ट कर रही, तो ट्रेड यूनियन को बुलाया जाएगा, भाई अपने बंदों को सपोर्ट करने के लिए बोलो, अब तभी कंपनी का काम चलेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड रोल ऑफ द ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव हों, फंक्शन हों, बेनिफिट हो, रोल हो, ये सारा काम इसी में जाता है, एडवांटेज भी इसी में ही कंप्लीट हो जाते हैं। इम्प्रूव द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन, लोगों के रहने का कंडीशंस और काम करने की जो कंडीशन उसको इम्प्रूव करने के लिए लेबर ट्रेड यूनियन बनती हैं। कोऑपरेशन लेबर कंपनी में बना रहे, एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉयर के साथ, इसके लिए भी ट्रेड यूनियन काम करती हैं। किन बंदों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए प्रमोशन और ट्रेनिंग की, इसके लिए भी ट्रेड यूनियन काम करती हैं। सब लोगों की फेयर वेजेस को सिक्योर करने का काम भी ट्रेड यूनियन करेंगी। उसके बाद हर एक वर्कर को अपनी आइडेंटिटी पता हो इंडस्ट्री में, उसके लिए भी ट्रेड यूनियन काम करती है। मैं बोलूँ कि मैं टीचर हूँ, अभी मुझे बोला जाए भी आप टीचर छोड़ के कोई और काम करो, तो मेरी आइडेंटिटी तो खत्म होगी, तो उसके लिए भी ट्रेड यूनियन काम करेंगे। हम लोग जितने टीचर होंगे भी इकट्ठे होगा, भी ये बंदा तो बढ़िया पढ़ाता है, इसको आगे लेके आ जाए, पढ़ाता मुझे आता ही ना हो, फिर भी अब ट्रेड यूनियन को काम करेंगे, बंदा सही करने वाला है। तो उसके बाद बोले प्रमोट इंडिविजुअल कलेक्टिव वेलफेयर, कलेक्टिव वेलफेयर के लिए काम करती हैं ट्रेड यूनियन। सिर्फ सिंगल पर्सन नहीं है, सिंगल पर्सन का झगड़ा हो गया, उठा के ट्रेड यूनियन में चला गया, भाई मेरे साथ झगड़ा हुआ, मेरा झगड़ा सॉल्व करो, वो झगड़ा आपस में सॉल्व करवा देंगे, सीधा मैनेजमेंट को नहीं बोलेंगे कि ये कंपनी में लॉस हो रहा है। जहाँ पर उनको लगता है भी सभी लोगों के साथ शोषण हो रहा है वहाँ पे ट्रेड यूनियन काम करती हैं। उसके बाद इंस्टॉलिंग देयर मेंबर्स इन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड इंडस्ट्री एंड कम्युनिटी, सभी मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं कि उनकी कंपनी के लिए प्लस कम्युनिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके लिए एक सिस्टम भी इंस्टॉल करती हैं ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस हमेशा सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती हैं कम्युनिटी के लिए भी प्लस कंपनी के लिए, ताकि किसी भी बंदे को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ कोई धोखा हुआ है। इसके बाद इन्होंने एडवांटेज लिखे हैं, एडवांटेज भी इन्होंने दो तरीके से लिख दिए, लेबर के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी, प्लस सोसाइटी के लिए भी। सबसे पहले बात करते हैं लेबर के लिए, लेबर के लिए रूटीन क्या होंगे, उनको फेयर वेजेस मिलेंगी, वर्किंग कंडीशन उनकी लिविंग अच्छी होंगी, उनकी लिविंग कंडीशन भी अच्छी करवाने का काम करेगी, उनकी डेवलपमेंट करवाने का लेवल काम करेगी, डेवलपमेंट का उनको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, अगर पार्टिसिपेट करना हो किसी भी कंपनी के काम में उनको जो भी बेनिफिट मिल जाएंगे, प्लस कंपनी में वर्किंग कंडीशन और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए कंपनी में ट्रेड यूनियन काम करती है। अब किसी कंपनी में बोला जाए भी 8 घंटे की ड्यूटी है, सुबह इतने बजे कंपनी में आके और शाम को इतने बजे जाना है, कुछ भी बीच में आपको छुट्टी नहीं है, मीन्स ना आप खाना खाएंगे, ना चाय पियेंगे, ना पानी पियेंगे, 8 घंटे सीट पर बैठे रहो, तो वहाँ पर ट्रेड यूनियन काम कर सकती है कि कुछ एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए भाई, 15 मिनट उनको दो बार चाय पीने के लिए मिले, कम से कम आधा घंटा खाना खाने के लिए मिले, तो ये उसके लिए ट्रेड यूनियन काम कर सकती है। वहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि 8 घंटे लगातार बंदे को बैठा लो और बंदा कहीं जाए ना, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। फिर आते हैं एडवांटेज ऑफ द एम्प्लॉयर इंडस्ट्रीज, जितने भी कंपनियों में इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए भी ट्रेड यूनियन का बेनिफिट है। ये हमेशा
कलेक्टिव टास्क और बार्गेनिंग करने के लिए काम करती हैं। मान लीजिए इम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक होगी तो ट्रेड यूनियन को कंपनी वाले बुलाएंगे कि बार्गेनिंग करेंगे उनके साथ भी, हम पहले इम्प्लॉयज़ से पूछ लो भी क्या झगड़ा है, रीजंस क्या हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का काम किया जाएगा। मान लो इम्प्लॉयज़ बोल रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, कंपनी में प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी बोलेंगे प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसका मतलब इतने भी सबकी उतने उतने परसेंट सैलरी बढ़ जाएगी, सैलरी बढ़ेगी तो कुछ पॉइंट्स बढ़ेंगे, इतने परसेंट बढ़ सकती है इतने, वो हम बार्गेनिंग के हिसाब से देखेंगे। हेल्प टू पैक्सिफाई द कॉन्फ्लिक्ट एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, जो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट लिखा हुआ है उसको खत्म करने का काम भी ट्रेड यूनियंस करते हैं कंपनीज में, क्योंकि लॉकआउट हो गया, घेराव हो गया तो ट्रेड यूनियंस वाले पर्सन ही उसको खत्म करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन आएगा बंद करवा के चला जाए, झगड़ा में तो हाल झगड़ा बढ़ता चला जाता है। यूनियंस प्रोवाइड एजुकेशन ट्रेनिंग इंटरटेनमेंट, यूनियंस जो हैं कंपनियों में एजुकेशन ट्रेनिंग, जिन लोगों को वेलफेयर के रिगार्डिंग कुछ फैसिलिटीज चाहिए उन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने का काम इंडस्ट्रीज में भी ये काम ट्रेड यूनियन ही करती हैं, क्योंकि कई बार कंपनी सभी एम्प्लॉयज़ के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचा सकती, तो ट्रेड यूनियंस के मेंबर्स अपने आप ही सब लोगों की, सब लोगों की सुनते हैं वो लोग, ट्रेड यूनियन के सब लोगों की सुनेंगे तो उन सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम भी करती हैं। उसके बाद आता है एडवांटेज फॉर सोसाइटी एंड कंट्री, ट्रेड यूनियंस करता भी सोसाइटी और कंट्री के लिए कैसे काम कर सकती हैं। ट्रेड यूनियंस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेबर्स, लेबर की रिप्रेजेंटेटिव होती है, हु आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द, हु पुट द प्रॉब्लम ऑफ आइडियाज फीलिंग वेलफेयर लेबर बिफोर द कंट्री, कंट्री से पहले जो लेबर की जो मान ली कंट्री में तो जो प्रॉब्लम चल रही हैं चल ही रही हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स लेबर को आ रही हैं वो रहने खाने पीने जो भी फैसिलिटीज की कमी मिल रही है तो लेबर उनके पास ही अपनी प्रॉब्लम सकती हैं, तो ट्रेड यूनियंस उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं। जब प्रॉब्लम लेबर की सॉल्व होगी तो कंपनी में अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि लेबर लगातार काम कर रही है, प्रोडक्शन चलेंगे, जीडीपी बढ़ेगी, सब लोगों को काम भी मिलेगा, प्रॉफिट भी होगा, सब लोग अपनी इनकम भी कमाएंगे, सेविंग करेंगे। तो जो भी कंट्री की प्रॉब्लम्स होती हैं कि कंपनी कंट्री में सेविंग नहीं है, काम नहीं है, तो वो किस तरह से, दूर से काम तो होता ही है लेकिन काम करने वाले पर्सन नहीं होते हैं, ऐसे ही होता है ना, अभी हम बोलते हैं कि जॉब तो बहुत है काम नहीं कर रहे, हमारे इंडिया में वैसे ही है, जॉब बहुत है काम नहीं कर रहे, अभी बाहर के भेज दो वही पर्सन काम करते हैं, क्योंकि तो वहाँ पर भी काम है, वहाँ पर रूल्स थोड़े से सख्त हैं, यहाँ पर थोड़े से रूल नरम है, तो अपोजिट रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कंट्री की प्रॉब्लम्स जब लेबर ट्रेड यूनियंस लेबर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो कंट्री की अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर आता है कि वीकनेस ऑफ द ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन जहाँ पर एडवांटेज है उनके वीकनेस भी लिखा है। सबसे पहले कहता है मैनी ट्रेड यूनियंस आर स्मॉल और स्मॉल नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर कोई कम मेंबर्स वाली ट्रेड यूनियन होगी तो ट्रेड यूनियन जल्दी ही खत्म हो जाती है, ट्रेड यूनियन में मेंबर्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकल लेंडर्स, कई बार जब पॉलिटिकल जो पर्सन होते हैं वो भी ट्रेड यूनियन को ख़त्म कर देते हैं, जो रूल्स पुरानी गवर्नमेंट ने बनाए होंगे ट्रेड यूनियन उसका सपोर्ट अच्छी तरीके से करते चली आ रही होती है, नई गवर्नमेंट आएगी अपने रूल्स लेके आ जाएगी तो जो ट्रेड यूनियन चली आ रही होती हैं वो फॉल्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है भी अभी तो हमें नई गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो अपोजिट मीनिंग हो जाएंगे। ट्रेड यूनियंस नाउ बिकम सेंट्रल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी देयर देन द वर्कर वेल, आजकल के टाइम में ट्रेड यूनियन की ये भी एक वीकनेस में आ गया कि ट्रेड यूनियन मोस्टली पॉलिटिकल लेवल पे काम करने लगी, वर्कर के वेलफेयर में काम कम करती हैं, जैसे गवर्नमेंट बोलेगी उनके हिसाब से चलेंगे। हम लोग देखते हैं हमारी कंट्रियों में जो बंदे आज आपके हक में बोल रहे होंगे, कल को गवर्नमेंट अगर उनको कुछ बोले तो वो गवर्नमेंट के हक में बोलना स्टार्ट करते हैं, तो ये भी इसमें वीकनेस है ट्रेड यूनियन में, कुछ मेंबर्स जैसे दल बदलू होते हैं तो ये प्रॉब्लम्स भी चल जाती हैं। गवर्नमेंट इनकरमेंट ऑफ वीक एंड डिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस, गवर्नमेंट ऑलवेज जो वीक और जो इनडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस होती हैं उनको इनकरेज करने की कोशिश करती है। मान लीजिए हमारी कंट्री में दो ट्रेड यूनियन बनी हुई या फिर हमारे एरिया में एक ट्रेड यूनियन की सब लोग सुनते हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, दूसरी ट्रेड यूनियन को सपोर्ट करेगी जिस जो वीक है, तो जो जो इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग है वो वीक हो जाती है, वीक वाली फिर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ये प्रॉब्लम्स भी कई बार ट्रेड यूनियन में चलती हैं। उसके बाद लिखा कि मोरल ट्रेड यूनियंस विच हैव बीन स्लोली हैव नॉट बीन डिवॉल्व्ड आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज कुछ ट्रेड यूनियन ऐसे भी होती हैं जो डिवॉल्व नहीं हो पाती हैं, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं कि उनके मेंबर अच्छे नहीं हैं, गवर्नमेंट उनको पॉलिसीज अच्छी नहीं कर रही हैं या लीडर्स अच्छे नहीं हैं, तो गवर्नमेंट्स वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आपके पास अच्छे प्रॉब्लम्स अच्छे पर्सन होंगे, लीडर्स अच्छे होंगे, तो ट्रेड यूनियंस के जो पर्सन आपके फेवर में काम करेंगे, जब पर्सन ही झगड़े करवाने वाले होंगे, कौन बंदा उसको दिखाएगा कौन बंदा उसको अपोजिट दिखा रहा है, तो गड़बड़ होने चली जाएगी। मे बी हम अपनी कंट्री का हाल देखें, जैसे बोले अभी वैसे किसी भी कंट्री में चले जाओ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर जो प्रेसिडेंट हैं, कभी भी कोई पर्सन किसी को गलत नहीं बोलता। हमारी कंट्री में क्या है, प्राइम मिनिस्टर को गाली दिए जा रहे हैं, प्रेसिडेंट को गाली दिए जा रहे हैं, अपोजिट मीनिंग है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट ऑटोमोट पे ही हो जाती है। उसके बाद ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज जनरली कंसंट्रेटेड इन मेट्रोपोलिज्म सेंटर वेयर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लोकेटेड, ट्रेड यूनियन मोस्टली वहीं पर काम करती हैं जहाँ पर लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रीज होंगी, जहाँ पर कम इंडस्ट्रीज हैं या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, सेमी स्केल इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, वहाँ पर ट्रेड यूनियन है ही नहीं,
अपने यहाँ पे रूल अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे सब लोगों को सब फैसिलिटीज मिलती हैं, जहाँ पे कम इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे शोषण ही होता है लेबर का, तो ये प्रॉब्लम्स भी ट्रेड यूनियन में निकल के आती हैं। फिर आते हैं सेग्रेशन बिटवीन कैपिटल और लेबर, चलो कल करते हैं।